दोस्तों, राजस्थान के दो स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, लेकिन उनको जानने से पहले हम यह जानेंगे कि रामसर साइट क्या होती है। दोस्तों, रामसर साइट का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों, जल प्रवाही पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित साइटों को दिया जाता है। 2 फरवरी 1971 में ईरान की रामसर जगह पर वेटलैंड्स पर कन्वेंशन हुआ, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा गया और यह 1975 से प्रभाव में आया। इसके तहत भारत की 42 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है, जिसमें से राजस्थान की दो साइटें इस प्रकार हैं। पहली केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में है, इसे 1 अक्टूबर 1981 में, वह दूसरे सांबर झील है, जिसे 23 मार्च 1990 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।